नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीपीएससी आरओआरओ का फॉर्म आ चुका है और फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है। काफ़ी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है कि कौन कौन, ये मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन ओ लेवल क्या दोनों फॉर्म के लिए चाहिए या एआरओ के लिए चाहिए। हमारे पास पीजीडीसीए है, बीटेक किए हुए हैं, तो क्या हम आरओ और एआरओ दोनों भर सकते हैं। इस प्रकार के तमाम सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें भी आरओ और एआरओ की तैयारी करना है आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से या live.parikshaplus.org से। आप जाके आरओ एआरओ टारगेट बैच आपका चलाया जा रहा है जो एकदम ऑफर में है, मात्र 699 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। मैं डिटेल भी बता दूंगा कि उस बैच में क्या क्या है, लेकिन सबसे पहले जो आपके सवाल हैं उन पर हम पहुंचते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए, क्योंकि ये पोस्ट बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है और बस जिनको हिंदी आता है उसका सिलेक्शन पक्का अगर ढंग से पढ़ दिए तो। तो देखिए क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहला बात कि अगर हम बात करें शैक्षिक अर्हता, सबसे पहली बात तो सब बच्चे यही ढूंढते हैं कि भैया हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सैलरी कैसी होनी चाहिए, जॉब कहाँ मिलेगी, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, वो भी मैं सब बता दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात अगर बात करें शैक्षिक अर्हता की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो यहाँ दिखा है ना कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष, समकक्ष मतलब जो भी आप बीटेक उटेक किए हैं सब स्नातक के स्तर पे आता है। AICT इसी का विवाद चल रहा था जिसका निपटारा हो गया था, और ये बोला गया जितना भी AICT जो ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग मान लो 3 साल या 4 साल का कोई टेक्निकल डिग्री होती है तो उसे एज ए ग्रेजुएशन ही माना जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसमें दो पोस्ट हैं, एक समीक्षा अधिकारी एक सहायक समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी आपको नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि उसके लिए अर्हता क्या चाहिए, और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका अर्हता कुछ नहीं, उसका है लेकिन सिंपल सा है। अगर हम समीक्षा अधिकारी की बात करें कि इसकी अर्हता क्या है, तो इसमें आप सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। आप इसमें भी कोई ऐसा नहीं, आप आर्ट साइंस से हो साइंस से हो उससे कोई मतलब नहीं, आप होम साइंस से हो कुछ भी मतलब नहीं है, आप सीधे सीधे ग्रेजुएशन किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज भी आपकी 21 से 40 साल बहुत मतलब 21 साल अगर 1 जुलाई को ये मांग रहा है, अगर 1 जुलाई तक आप 21 साल के हो गए हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा एज क्राइटेरिया भी बड़ी है। अब रही बात आपके प्रश्न की कि सैलरी सर कितनी मिलेगी, तो सैलरी भाई जबरदस्त है। आरओ जो है अगर हम इसके ग्रेड पे की बात करें तो ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है, जबरदस्त एकदम गेस्टेड बी ऑफिसर है। अब यहां पर देखिए 47600 अगर इसका हम वो देखें कि पे मैट्रिक्स देखें तो 47600 से लेके 151000 मतलब ये आपका बेसिक, यहां से लेकर यहां तक बेसिक आपका चलेगा, ये मैट्रिक्स बताती है पे लेवल की, लेवल 8 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो यहां पर आप देखो 47600 पहला बेसिक बनेगा आपका, और ये बेसिक सैलरी है, और मैंने जो लिखा है कोई अलाउंसेस बस आपका जो महंगाई भत्ता है DA है बस वही लिखा हूं, बाकी आपकी हाउस अलाउंस मेडिकल अलाउंस ये सब कुछ नहीं लिखा, वो वेरी करेगा, वो मैं जॉब प्रोफाइल में बताऊंगा। यहां पर बेसिक इतना हो गया और आपका DA जो 42% इस समय है वो हो गया, इतने से ही आप पहुंच गए 67592, और भी अलाउंसेस अगर मिला लिया जाएगा तो आपकी इन हैंड सैलरी ऑलमोस्ट ये मान लिए कि 70 से 72 हजार के अप्रोक्स पहुंचेगा, ठीक है। ये कुछ काट लेंगे तो 70 तक तो मिल ही जाएगा आपको, 70-72 तो मिलेगा, क्योंकि अभी और अलाउंसेस मैंने सिर्फ 2 चीजें जोड़कर यहां पर पहुंचाए हैं आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी है। एआरओ जो समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी बोला जाता है उसी का सहायक, और ये 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। इसका जो पे मैट्रिक्स है, आप इसकी पे मैट्रिक्स की बात करोगे तो 44900 से लेकर 142400 तक ये इसका बेसिक जो है वो वैरी करेगा आपके जब से आप ज्वाइन करोगे और जब तक आप रहोगे इस पोस्ट पे। तो यहां ध्यान रखिए कि अगर एआरओ की बात किया जाए तो यहां ग्रेजुएट आपसे मांगा गया है कि ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ इसमें 2 जगह पोस्ट आती है,
समीक्षा अधिकारी की, चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी की, एक सचिवालय और एक लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर अभी जो पोस्ट आया है इसमें आपका ये दो के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ अगर आप सचिवालय में आपकी पोस्टिंग होती है तो उसके लिए जो ओ लेवल मांगा है डोएक सोसाइटी के द्वारा ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट, तो यूपी शासनादेश आया था यूपी गवर्नमेंट का, तो उस शासनादेश में जो भी ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिग्रियां हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो ओ लेवल की इक्विवेलेंट क्या है, और इसी का एक और पोस्ट जो लोक सेवा आयोग में है उसमें समकक्ष नहीं लिखा है ओ लेवल का, तो वहां पे डोएक ही चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और दूसरी बात कि आपकी हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट कृति देव के जो फॉन्ट होता है उस पे। अब सैलरी इनकी अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए 63,758 रुपये ये बनेगा सिर्फ बेसिक और डीए मिलाकर, बाकी और अलाउंसेस मिला के ऑलमोस्ट 66 से 68 तक आपको इनहैंड मिलेगा। ये बाकी डिटेल हम लोग आपको वर्किंग क्या है समीक्षा और सहायक की वो अलग वीडियो में बताया जाएगा। तो वही बोला है यहाँ पे सहायक समीक्षा देखिए डोएक सोसाइटी द्वारा ओ लेवल प्रमाण पत्र और इसके समकक्ष अहर्ता, तो यहाँ समकक्ष लिखा हुआ है ये आपका सचिवालय का जो आपके सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, और दूसरा आपका लोक सेवा आयोग में आपके जो सहायक समीक्षा अधिकारी है यहाँ पर साफ साफ सिर्फ डोएक लिखा हुआ है सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का या किसी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा या डोएक सोसाइटी द्वारा ओ लेवल प्रमाण पत्र, यही बस बोला गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान और विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा, ठीक है, ये भी पॉइंट का बात है। और उसके बाद से डोएक वाले की बात की गई है, उसमें आगे इक्विवेलेंट नहीं लिखा गया है। आपके जो पेपर का पैटर्न होता है वो ध्यान रखिए, पेपर आपका जो पहला होगा वो जीएस का होगा 140 क्वेश्चन, दूसरा हिंदी होगा जो मैंने बताया, अगर हिंदी आपकी अच्छी है तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो टोटल 200 क्वेश्चंस यहां पर होते हैं, दो पालियों में पेपर होता है, पहले जीएस होगा फिर आपका हिंदी होगा। अगर हम बात करें यहां पर कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट आपके कौन कौन से हैं, काफी बच्चे जो ये सवाल पूछ रहे थे कि सर मेरा ये पीजीडीसीए डीसीए है तो मैं क्या ओ लेवल में भर, क्योंकि सबसे ज्यादा पद तो सचिवालय के ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सहायक समीक्षा अधिकारी में पद कम है इस बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा और मोस्ट उतना ही होगा जितना आपका समीक्षा अधिकारी है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां पर अगर भरने वाली बात किया जाए तो यहां देखिए क्या बोला है, केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी एआईसीटीसी या नीलेट डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम एक वर्ष के अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, ठीक है, ओ लेवल के समकक्ष जो वाला गया है कि कहां से कैसा होना चाहिए, केंद्र या राज्य के विश्वविद्यालय एआईसीटीसी या नीलेट, ऐसा नहीं कि कोई घर में खोल के बैठ गया हो और एक साल का डिप्लोमा का कोर्स आपको बना के दे दे, वो नहीं चलेगा, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन नंबर कोई गली गली में जो खुले रहते हैं, ये इनसे होना चाहिए, किसी विश्वविद्यालय से होना चाहिए, एआईसीटीसी अप्रूव्ड या नीलेट अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही यहां पर बोला है कि अगर डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था, निजी संस्था चलेगी लेकिन निजी संस्था ऐसी नहीं जो इनके अलावा न किसी और जगह से अपना सर्टिफिकेशन किया हो, पता चले वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके अपना कोचिंग चला रहा हो, वैसी नहीं, ठीक है, इनसे मान्यता प्राप्त जो निजी संस्था होगी वो चलेंगी। 10 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम एक वर्ष की अवधि के निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, मतलब ये 10+2 के बाद ये आपने कोर्स किया है, ठीक है, कहां से, किसी यूजीसी से एआईसीटीसी अप्रूव्ड या आपका नीलेट अप्रूव्ड तो भी आपका चलेगा, बाकी किसी छोटे मोटे संस्था से नहीं चलेगा, जैसे डोएप डोमा एडीसी एडीसीए ये सब कंप्यूटर के डिप्लोमा कोर्स हैं एक साल के, मैक्सिमम बच्चे एडीसीए किए होते हैं और पूछते हैं कि क्या सर मैं एलिजिबल हूं, एडीसीए किया हूं फला इंस्टीट्यूट से, आप उस इंस्टीट्यूट से नहीं, यहां साफ साफ लिखा है किसी बोर्ड विश्वविद्यालय यूजीसी और एआईसीटीसी नीलेट से अप्रूव्ड होनी चाहिए संस्था, ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देता है रूपा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब वाला नहीं चलेगा, आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से है तो वो चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऐसे ही एडवांस डीसीएच
एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर ADCP, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या मेरा ओ लेवल हार्डवेयर में है वो चलेगा? एकदम चलेगा, ठीक है, जब ये चलेगा तो वो भी चलेगा, ठीक है। DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCFA डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी चलेगा। DCS डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल, DCTT डिप्लोमा कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, लेकिन सब सही जगह से होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी से या आपका नीलेट या डोएक के थ्रू अप्रूव्ड या AICT से। डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, DSA डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, DIT, DST, DTP, MDCA, MDCIM। अब BTEC वाले कहेंगे सर जी हमारा तो अभी तक नाम ही नहीं है, इतने कोर्स आपके हैं, ये सब डिप्लोमा है, उसके बाद यहां लिखा जो है वो ध्यान से पढ़िए। बोला गया है 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम एक वर्ष की अवधि PGDCA या DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो वो भी माना जाएगा। तो PGDCA वाले भी एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिए, उसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं एलिजिबल हैं, आप ARO का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, एक साल का आपने कोर्स किया है तो। और देखिए भाई यूपी डेस्को से अगर आपने एक साल का कोर्स किया है, DIT से का वर्ष किया है ये टेक्नोलॉजी में, तभी भी आप मान्य होंगे। स्नातक स्तर पर अगर एक विषय के रूप में कम एक वर्ष का कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा है आपका सब्जेक्ट, कब तक? एक वर्ष तक, तब भी आप एलिजिबल हैं। BSc, IT, MCA, BTEC, सिर्फ यहां लिखा क्या BTEC। BTEC में अब मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, CS है, IT है, कुछ भी कोई भी ब्रांच है तो यहाँ BTEC में सब शामिल होता है। यहाँ A लेवल, B लेवल, C लेवल कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc, साइबर लॉ सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम एक वर्ष में रहा हो, मतलब आपके BTEC में अगर एक साल में आपने कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। तो BCA वही बोला है, इन सभी में अगर एक साल में कम से कम कंप्यूटर रहा हो तो आप एलिजिबल हो। इसके बाद क्या बोला है, केंद्र राज्य सरकार का वही AICTC नीलेट विश्वविद्यालय द्वारा सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम एक वर्ष की अवधि का कंप्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण हो तभी भी आपका चलेगा। और यहां आपका बोला क्या गया है फिर से कि एक वर्ष, हाँ, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन, ये वाला जो आपका मैंने बोला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगर आपने एक साल का कोई भी कोर्स किया है कंप्यूटर में तभी भी आप मान्य होंगे। ITI जो ये काफी बच्चे किए रहते हैं कि सर क्या मैंने कोपा किया है तो कोपा वाले एलिजिबल हैं, कोपा वाले एकदम एलिजिबल हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है कि कोपा को सुदृढ़ हैं तो आप एलिजिबल हैं। केंद्र राज्य किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय नीलेट के द्वारा अगर आपने DOEC से मान्यता प्राप्त या सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उत्तीर्ण हो, मतलब यहां पे वो लेवल वही वैलिड माना जाएगा अगर आपने पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो और आपने कंप्यूटर में किया हो या इंफॉर्मेशन में किया हो, यहां डिप्लोमा मैकेनिकल वाले नहीं मान्य होंगे, ठीक है। डिप्लोमा CS, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स ही एलिजिबल है, ये 10 नंबर पॉइंट यही बोल रहा है आपका, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद से यही बोला है कि आपका ये सभी चीजें ओ लेवल के इक्विवेलेंट क्या है, ये आपके शासनादेश उत्तर प्रदेश का जो जारी किया गया था, ये सभी डिग्रियां ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि जितने भी बच्चे आप लोगों ने PGDCA 1 ईयर का डिप्लोमा किसी यूनिवर्सिटी से या नीलेट या AICTC अप्रूव्ड संस्था से लिया है तो आप निश्चित रूप से भर सकते हैं, BTEC वाले भी भर सकते हैं, BCA वाले भी भर सकते हैं, BSc वाले भी भर सकते हैं। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है और डिप्लोमा जैसे पॉलिटेक्निक ऑलटेक्निक किया है उसमें CS IT और इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड लिया है तो वो भी भर सकता है। बस इतना रहा शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो। अब मैं आपसे बताऊं कि अगर आपको जिन्हें भी तैयारी करना है वो परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, इसका कोर्स चलाया जा रहा है, टारगेटेड बैच चलाया जा रहा है, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए या आप वेबसाइट पे जाइए, आपका कोर्स है, कोर्सेस में जाएंगे live.parikshaplus.org ओपन करेंगे, 699 में पूरा फुल बैच है, इसमें हम आपको वीडियो क्लास, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जो बच्चे अभी तक
एक तरह से बोला जाए रजिस्ट्रेशन नहीं है, फॉर्म कैसे फिल करें, तो फॉर्म में थोड़ी सी दिक्कत ये चल रही है कि जब आप फॉर्म खोलोगे यहाँ पे यूपीपीएससी की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको कहाँ से अप्लाई करना है ये ध्यान लिखिए। यहाँ पर देखिए, जब आप नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, एडवर्टीजमेंट वाले में जाएंगे, ये ध्यान देखिएगा, आप होम पेज में, आपको खोल के दिखा रहा हूं, इस होम पेज में आप जाइएगा और यहां पे जो आपका है रिक्रूटमेंट में जाइएगा, ऑनलाइन नोटिफिकेशन में जाइएगा। यहां पे आप जब क्लिक करेंगे, अगर आपने ओटीआर नहीं किया है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कर सकते हैं आप, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहां पे अप्लाई पे क्लिक करिए और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहां पे आ रहा है ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर। तो आप सोचोगे सर जी मैंने ओटीआर किया नहीं, तो कुछ बात नहीं है, यहाँ पे क्लिक करो, अपने आप आएगा, वो बताएगा, बोला है ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर, बोल रहा है, अब पूछ रहा है आपसे कि आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया है, आपके पास नंबर है, तो कह दो नहीं किए हैं अभी अभी तक, तो नो करोगे और फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ओटीआर वाला पोर्टल आपका खुल जाएगा। ये बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि इससे पहले भी आयोग ने कहा था कि ओटीआर आप लोग करके रखिएगा, और जिनका ओटीआर होगा कोई दिक्कत नहीं, आप यस करिएगा और सीधे अपना ओटीआर नंबर डालिएगा और सब कुछ आपका डिटेल अपने आप आ जाएगा। फॉर्म बहुत मतलब विद इन 10 से 15 मतलब वो मिनट में आपका पूरा हो जाएगा फॉर्म, ठीक है, उससे भी कम में। तो जो बच्चे अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, जितने भी आपकी समस्याएं होती हैं उन पे हम जरूर कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।